हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 8 दिसंबर के लिए करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है इसमें सबसे पहले सूर्य किस देश में उगता है, उदय होता है? तो इसका आंसर है कि जापान में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। हाल ही में ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रेटिंग में कौन टॉप पर आता है? तो इसका आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर में इसमें फर्स्ट रैंकिंग मिली है, भारत को 48वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में मृदा स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका उद्घाटन किया है। नरेंद्र सिंह तोमर जो हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं ग्रामीण विकास, पंचायती राज के मंत्री हैं। नेक्स्ट आते हैं अपन, हाल ही में जेसी बोस एक सत्याग्रही वैज्ञानिक पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया है, यह कहाँ किया है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। जेसी बोस जो कि भारतीय वैज्ञानिक थे, इस सम्मेलन को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट हम आते हैं, नौसेना अभ्यास संगम का 7वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो आंसर है गोवा। गोवा में अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया है, यह नौसेना अभ्यास है। नेक्स्ट हम आते हैं, कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी पवन सोलर हाइब्रिड पावर डेवलपर बनी है? तो आंसर है अडानी ग्रीन्स। अडानी ग्रीन्स को दुनिया की पहली सबसे बड़ी पवन सोलर हाइब्रिड पावर डेवलपर कंपनी बना दिया गया है। नेक्स्ट हम आते हैं, हाल ही में भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया है? तो आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में भारत का पहला गोल्ड एटीएम खोला गया है, जिससे कि हम एटीएम से भी गोल्ड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, आज ही के दिन हुई कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। जनरल विपिन सिंह रावत जो कि सीडीएस थे, इनकी आज ही के दिन 2021 में हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हुई थी। इनके हेलीकॉप्टर का नाम था MIL MI-17। इसमें इनकी मौत हुई थी, साथ में इनकी पत्नी भी थी और 10 अन्य लोग भी थे। आज ही के दिन 1967 में पहली पनडुब्बी INS कालवरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। कल 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना दिवस मनाया गया था और 7 दिसंबर को ही भारतीय झंडा दिवस मनाया गया था। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही हम शाम को रीजनिंग क्लासेस भी चलाते हैं, जिसमें कल हमने कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट पार्ट लिया था। तो अभी आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें ताकि नर्सिंग के एग्ज़ाम के लिए और नॉन नर्सिंग के लिए भी ये काम आते हैं, कोई इशू नहीं है। नॉन नर्सिंग जो नॉन नर्सिंग एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी हमारे इस सीरीज का फायदा उठा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।